पे तो 15-20 लोग थे, इसमें 6 लोग घायल हुए। 6 लोग घायल हुए, मृतक कितने लोग? मृतक 3 लोग हुए। किस गांव का मामला है? ग्राम पंचायत का है। खेत पर तो 15-20 लोग थे, इसमें 6 लोग घायल हुए। 6 लोग घायल हुए, मृतक कितने लोग? मृतक 3 लोग हुए। किस गांव का मामला है? ग्राम पंचायत टायर। झांसी में आकाशीय बिजली आफत बनकर टूटी और 5 लोगों को अपनी आगोश में ले गई और 5 परिवारों में मातम छाया हुआ है। हर ओर रोने की आवाज और आंखों में सिर्फ आंसू है। बताया जा रहा है कि झांसी जिले के मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम इटायल में ग्रामीण खेत पर काम कर रहे थे, इसी दौरान अचानक मौसम बदला और आकाशीय बिजली गिर गई, जिसकी चपेट में आने से 5 की मौत हो गई जबकि अन्य घायल हो गए। मरने वालों के नाम 17 वर्षीय निकिता पुत्री संतोष, 26 वर्षीय पिंकी देवी पत्नी महेश आर्य, 24 वर्षीय क्रांति पुत्री संतोष बताए जा रहे हैं। इसी प्रकार ग्राम भदरवारा में भी आकाशीय बिजली गिरने से खेत पर काम कर रही काजल की मौके पर मौत हो गई। वहीं वनपुरा निवासी चरण सिंह की भी बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है और मृत लोगों की सूचना तहसील प्रशासन को दे दी गई है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे तहसील प्रशासन ने मौका मुआयना किया और परिजनों से जानकारी ली। कितने लोग थे खेत में? मऊरानीपुर उप जिलाधिकारी मृत्युंजय मिश्रा ने बताया कि क्षेत्र के ग्राम इटायल में आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं मऊरानीपुर के ग्राम भदरवारा में भी एक किसान महिला की मौत हो गई है। फिलहाल मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मऊरानीपुर क्षेत्र के अंतर्गत आकाशीय बिजली गिरने से आज 5 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें से इटायल गांव में 3 लोग, एक भदरवारा का और एक बसारी गांव में मूल निवासी एमपी के थे, उनकी मृत्यु हुई है, जिसमें 3 लोग इटायल से घायल हैं, 2 बुखारा से भी घायल हो गए हैं, टोटल 10 लोग हताहत हुए थे। दैवीय आपदा के अंतर्गत 4 लाख की सहायता धनराशि मुहैया कराई जाती है, इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अब देखना ये होगा कि आसमान से बरस रही आफत और कितनी झेलनी पड़ेगी। पंजाब के केसरी टीवी के लिए झांसी से मोहम्मद शहजाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।